आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कानपुर में बवाल, जुमे की नमाज के बाद हिंसा। कानपुर में दुकानें बंद कराने को लेकर दो समुदायों में पथराव। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, दोनों पक्षों में जमकर बमबारी और पथराव हुआ है। जुमे की नमाज के बाद यह बवाल हुआ है। कानपुर के बेकनगंज इलाके में दोपहर करीब 3 बजे यह बवाल हो गया है। बाजार बंद कराने के दौरान यह बवाल हुआ है। वही झड़प के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। को बता दें कि जिस वक्त यह हिंसा हुआ था उस वक्त कुछ दूरी पर ही मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और राष्ट्रपति भी मौजूद थे। कानपुर में भारी सुरक्षा के बीच यह बवाल हुआ था। यह बवाल उस वक्त हुआ जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति के आने के चलते काफी सुरक्षा व्यवस्था लगी थी। पीएम राष्ट्रपति के साथ शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर एक कार्यक्रम में मौजूद थे। कानपुर में बड़ा बवाल सामने आया है। जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई है। वही 12 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। बड़ी हिंसा हुई है कानपुर में और सबसे आश्चर्यजनक बात जो यह सामने निकल के आ रही है वो यह आ रही है कि जिस वक्त राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री दोनों कानपुर में मौजूद थे उस वक्त यह हिंसक झड़प दो पक्षों के बीच में हुई है। आप देख सकते हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से बवाल हुआ है, पथराव हुआ है दो पक्षों में। कानपुर के वेकनगंज इलाके में बवाल हुआ है। करीब 1000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दोनों तरफ से पथराव हुआ है। कानपुर का यह इलाका मिश्रित आबादी वाला है। कई लोग पथराव में चोटिल हुए हैं। आपको बता दें कि जुमे की नमाज के बाद यह हिंसक झड़प दो पक्षों के बीच में हुआ है। जमकर पत्थरबाजी हुई है। हिंसक झड़प दो पक्षों के बीच में हुआ। आप देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर कि सीधा किस तरह से पत्थरबाजी करते हुए दोनों पक्षों के लोग नजर आ रहे हैं। वही आपको बता दें कि इस मामले की शुरुआत एक सामाजिक संस्था के मुस्लिम इलाके में बंदी के ऐलान से हुआ था। जुमे की नमाज की वजह से परेड चौराहे पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त सड़कों पर रुक रुक कर लोग पथराव कर रहे हैं। पुलिस ने पूरे एरिया की घेराबंदी कर रखी है। मौके पर 12 थानों की पुलिस मौजूद है। कड़ी सुरक्षा के बीच भी यह हिंसक झड़प सामने आया है। जुमे की नमाज के बाद दो पक्षों में मारपीट हुई है। पथराव शुरू होने के वक्त बाजार में लोग मौजूद थे इसलिए भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए करीब 12 थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने लाठी चार्ज किया जिसके बाद लोगों को वहां से फिलहाल खदेड़ा जा रहा है। बेकाबू दो पक्षों के लोगों में जमकर हिंसक झड़प हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवक पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दो पक्षों के बीच जो यह हिंसक झड़प हुआ है आप दोनों पक्षों को साफ देख सकते हैं। एक तरफ से एक पक्ष आ रहा और दूसरी तरफ से पत्थरबाजी की जा रही है। दोनों तरफ से लगातार पत्थरबाजी की जा रही है। जुमे की नमाज के बाद यह घटना सामने आई है। भारी सुरक्षा बल भी कानपुर में मौजूद था। मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति दोनों कानपुर में मौजूद थे। भारी सुरक्षा के बीच भी यह पथराव और यह हिंसक झड़प सामने आया है। सीधा पथराव करते हुए दोनों पक्षों के लोग देखे जा सकते हैं। आप टीवी स्क्रीन पर हमारी देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों मौजूद थे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कानपुर में थी जिसके बावजूद भी यह हिंसक झड़प सामने आई है। बेकनगंज इलाके में वहीं कई लोग भी इस पथराव में चोटिल हो चुके हैं। अति संवेदनशील इलाके में यह पथराव हुआ है। जुमे की नमाज के बाद यह पथराव हुआ है और आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव वीडियो की किस तरह से दोनों पक्ष के लोग पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर लोग रुक रुक कर पथराव कर रहे हैं।
वहीं पथराव शुरू होने के वक्त बाजार में लोग मौजूद थे, इसलिए भगदड़ जैसी स्थिति भी बनी हुई है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए करीब 12 थानों की पुलिस भी मौजूद है। इस मामले की शुरुआत एक सामाजिक संस्था के मुस्लिम इलाके में बंदी के ऐलान से हुआ था। एक इलाके में बंदी का ऐलान किया गया था, जिसके बाद से ही जुमे की नमाज के बाद 3 बजे के बाद यह हिंसक झड़प हुई थी। वहीं रुक रुक कर लोग अभी भी पथराव कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 12 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है, लेकिन फिर भी लोग लगातार पथराव कर रहे हैं। वही स्थिति को देखते हुए व्यापारियों ने खुद ही दुकानों को बंद कर दिया है। फिलहाल कानपुर में तनाव का माहौल बना हुआ है। आश्चर्यजनक बात यह है कि कानपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, कानपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों घटना स्थल से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद थे। इस कड़ी सुरक्षा के बीच भी दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ है, हिंसक झड़प हुई है। कानपुर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आखिर क्या वजह है इस बवाल के पीछे, किस वजह से बवाल शुरू हुआ? इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जब देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों कानपुर में मौजूद थे, इस तरह का हिंसक झड़प हुआ है। कई प्रश्न चिन्ह यह हिंसक झड़प जो है वो खड़ा कर रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस बल भी वहां पर मौके पर मौजूद है, लेकिन स्थिति काबू में करने में कहीं नाकाम नजर आ रही है। पुलिस बल के मौजूदगी में भी दो पक्षों के लोग जमकर पथराव कर रहे हैं। संवाददाता विभांशु इस खबर पर अधिक जानकारी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिस तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच मात्र जो घटना स्थल है उससे मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मौजूद थे और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी कानपुर में, उसके बावजूद भी जिस तरह से हिंसक झड़प दो पक्षों के बीच में हुआ है, कई सवाल या निशान खड़े करते हैं। जी तिस्ला, आपको बता दें कि जहां आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी रखी गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत किए थे, उसके बाद उनका कार्यक्रम आज कानपुर में जो महामहिम राष्ट्रपति हैं उनके जो पैतृक गांव है वहां आयोजन किया गया है। तो वहीं आपको बताएं कि कानपुर के बेकानगंज इलाके में जो कि उनके जो राष्ट्रपति का पैतृक गाँव है, महज वहाँ से 70 किलोमीटर दूरी पर दो समुदाय के बीच, दो धर्म के समुदाय के बीच एक मामला हुआ है। आपको बताएं कि जुमे की नमाज के बाद बवाल हुआ है और बताया जा रहा है कि बीजेपी की एक प्रवक्ता की तरफ से जो मोहम्मद साहब हैं उनको लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद कानपुर के जो नेता है मुस्लिम नेता जफर हाशमी, उनकी तरफ से मार्केट बंद करने का आह्वान किया गया था, ऐलान किया गया था, जिसको लेकर जुमे की नमाज के बाद कुछ व्यापारी वहां दुकान खोले थे तो कुछ उसका पालन कर रहे थे। उसी क्रम में आपको बताएं कि धीरे धीरे जो बात विवाद बढ़ता गया और दोनों पक्ष में बवाल हो गया और दोनों पक्ष के बीचों में ईंट पत्थर और जो भी मिल रहे थे ये चल रहे थे। वहीं आपको बताएं कि मौके पर मिली जानकारी के अनुसार तमाम ऐसे लोगों के सर फटे हैं और तमाम लोग चोटिल हुए हैं। और मौके पर अगर सिलसिला बात करें तो आसपास के 12 थाने की फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और मौके को स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरे वहां प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ वहां ड्रोन की भी आपकी व्यवस्था की गई है और एडीजी जोन पूरा एक्टिव हो चुका है। वहीं आपको बताएं कि कहा यह जा रहा है कि बीजेपी की एक प्रवक्ता नुपुर शर्मा की तरफ से मोहम्मद साहब को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद जो आसपास के लोग थे वो मार्केट बंद करने की बात कह रहे थे। तो जब जुमे की नमाज के बाद से निकलते हैं तो दोनों समुदायों के बीच बात विवाद होता है, आप बात विवाद लाठी डंडे में तबादला हो जाता है, फिर ईंट पत्थर चलते हैं। वहीं आपको बताएं कि जब पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचता है तो पुलिस प्रशासन के ऊपर भी ईंट और पत्थर चलाए जाते हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अब जो आरोपी हैं जो अजारक तत्व फैला रहे हैं उन पे कैसे कार्रवाई की जाती है। मगर मिली जानकारी के अनुसार 12 फोर्स के साथ अनेकों जगहों पर ड्रोन कैमरे उड़ाए गए हैं, जिससे जो अजारक तत्व फैलाने वाले शख्स हैं उन पे उनकी पहचान की जा सके। और वहीं आपको बताएं कि पुलिस जब लाठी चार्ज कर रही थी तो पथवार रुक जा रहे थे, जो पत्थर चलाए जा रहे थे
पथराव रुक जा रहे थे, मगर जब लाठी चार्ज रुक रहा था तो पथराव शुरू हो जा रहा था, जिसके बाद तमाम आसपास के थानों की पुलिस बुलाई गई है। अभी मिली जानकारी के अनुसार अगर बताएं तिसला, तो अभी मौका जो अगर देखें तो काबू में पा लिया गया है और जो आरोपी है उनकी पहचान की जा रही है, गिरफ्तारियां शुरू हो गई है। पहचान तो की जाएगी विभांशु, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का ये रिकॉर्ड रहा है कि दंगे खासा कम हुए, लेकिन जिस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर समुदाय का जो भीड़ है वो एक तरफ से आता दिख रहा है, दूसरी तरफ से लोग पत्थरबाजियां कर रहे हैं, किस तरह के हिंसा को ये दर्शाता है। और सबसे बड़ा सवाल है निशान ये प्रशासन पे खड़ा होता है कि जब इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद थे, उस बीच ऐसा हिंसक झड़प हुआ कैसे? क्या ये किसी खास समुदाय की ओर से हिंसा भड़काया जा रहा है विभांशु? क्योंकि तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक समुदाय एक तरफ से सामने आ रहा है और दूसरी तरफ से दूसरे समुदाय के लोग पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी त्रिशला, ये जांच का विषय है और जांच के बाद हम कह सकते हैं कि क्या मामला है। अभी पुलिस प्रशासन मौके को शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए हर एक भरसक प्रयास किया जा रहा है और मौके पर पूरी 12 थानों की फोर्स को लगाई गई है, साथ ही साथ एडीजी जोन एक्टिव हो चुके हैं। वहीं अगर देखें त्रिशला, तो ये अब जांच के बाद पता चलेगा, मगर देखें तो नुपुर शर्मा जो कि एक नेशनल डिबेट में बैठी थी और कानपुर के अंदर में आज जो देश के जिम्मेदार हैं, चाहे बात की जाए देश के प्रधानमंत्री, चाहे देश के महामहिम राष्ट्रपति, चाहे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, चाहे अगर बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष जो कि कानपुर के अंदर से आते हैं सतीश महाना, सभी जो श्रेष्ठ नेता हैं वो देश के मौजूद हैं। तो सवाल निशान खड़ा करता है पुलिस प्रशासन पर कि आखिर कैसे जब कानपुर में ये सभी जिम्मेदार जो देश के प्रमुख नेता हैं वो पहुंचते हैं तो महज 70 किलोमीटर के अंदर में कैसे ऐसे अजावक तत्व के द्वारा ऐसे दंगे कराए जाते हैं जिसमें तमाम लोग लहूलुहान हो जाते हैं। तो पुलिस प्रशासन पर एक सवाल निशान खड़ा होता है, क्वेश्चन मार्क उन पे लगता है, मगर जांच के बाद ये कहना साफ होगा कि किसकी कृत्य की वजह से ये दंगा आगे इस तरह का मोड़ लिया। मगर त्रिशला अगर देखें तो पुलिस प्रशासन को अब अलर्ट में लेकर अब मौके पर स्थिति को काबू में करने की जरूरत है और जो आरोपी है उनको चिन्हित करके सजा दिलाने की जरूरत है, क्योंकि आज देखें तो कानपुर के अंदर में तमाम जिम्मेदार हैं, देश के प्रमुख नेता हैं, तो कहीं ना कहीं देखें तो उत्तर प्रदेश की जो छवि है उस पर पुलिस प्रशासन के कृत्य की वजह से जो कानून को स्थापित करने की बात कही जा रही है उसमें इनकी तरफ से जो चूक हुई है वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान को खड़ा करता है। और इस पर मुख्यमंत्री जल्द ही अपना जो हम देखते हैं त्रिशला की जब कोई भी कृत्य होता है प्रदेश में तो मुख्यमंत्री बड़े ही सतर्कता और सहजता के साथ उसमें अपना कार्रवाई करवाते हैं, साथ ही साथ बड़े ही बेहद सहज ढंग से उस पर निगरानी बनाए रखते हैं। मगर अभी बात करें तो प्रधानमंत्री का संबोधन खत्म हो चुका है और जल्द ही कार्यक्रम का समापन भी हो जाएगा, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि कानून को स्थापित करने के लिए पुलिस प्रशासन के जो कृत्य करने वाले लोग हैं उनको सिन्नाश करके अब शाम तक कैसे उन पर कार्रवाई करता है। जी जी बिल्कुल अंशु, लेकिन जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल निशान खड़ा कर दिया है ये घटना, मात्र 70 किलोमीटर की दूरी, हालांकि जब कई दिग्गज नेता राष्ट्रपति के साथ साथ वहां पर मौजूद है, सवालिया निशान उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर भी खड़ा होता है, जिस तरह से रुक रुक कर पथराव वहां पर किया जा रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है। हालांकि विभांशु ताजा जानकारी के अनुसार जो वहां के व्यापारी है उन्होंने खुद ही दुकानों को बंद कर दिया गया है, कितना बड़ा जो सवालिया निशान है वो सुरक्षा व्यवस्था पर खड़ा होता है। जी जी बेशक शुक्ला, अगर बात की जाए तो दंगे की जब शुरुआत होती है तो सभी दुकानदार अपने दुकानों की शटर गिराकर और वो वहां से हट जाते हैं। वहीं आपको बताएं कि मौके पर अगर मुस्लिम पक्ष की तरफ से देखा जाए तो हयास जाफर हाशमी की तरफ से ये मार्केट बंद का ऐलान किया गया था, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो सवाल के घेरे हैं वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन इन्हें भी उठाएगी। विभांशु हम आपको रोकना चाहेंगे कि कानपुर से कांट विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हसन रूमी। हसन रूमी जी, जिस तरह से ये वाक्या सामने आया है, मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मौजूद थे, तस्वीरों में साफ देखा जाता है जा सकता है कि दो समुदाय के लोग आपस में पथराव कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे घटना को और कितना बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है सुरक्षा व्यवस्था पर? देखिए, देश के सर्वोच्च नेता आज हमारे शहर कानपुर में आए हैं और उस
उनके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सभी लोग कानपुर में मौजूद हैं, और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पुलिस की जो व्यवस्था है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। पुलिस चौकी के ठीक सामने अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक पुलिस वाला भीड़ की तरफ गोली तान रहा और उसके साथ में खड़ा हुआ एक व्यक्ति कोई पत्थर चला रहा, वो वीडियो पूरे में दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक पुलिस के प्रशासन के पुलिस के निष्पक्षता के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है, और ये बड़ी निंदा और बड़े खेद की बात है कि आज हमारे देश के प्रथम नागरिक हमारे बीच में, आज हम लोग को हमारे शहर में आए हैं और उसके बावजूद भी पुलिस की इस तरह से निष्क्रियता, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और हमें उम्मीद है कि कानपुर शहर अमन और अमान के लिए भी जाना जाता है, और हम लोग बैठेंगे शाम को एक साथ, जब बैठेंगे तो दोनों पक्षों को मिलाकर बात करेंगे, और उसके साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनकी प्रवक्ता ने जो भी बयान दिया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरीके से दूसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई होती चली आई है। तो जब पारदर्शिता से सारी बात होगी तो सब कुछ ठीक होगा। उसको भी, नुपुर शर्मा को भी गिरफ्तार करना चाहिए, उसने हमारे मोहम्मद साहब के खिलाफ जिस तरीके से बयान देकर, बिल्कुल बिल्कुल रूमी हसन जी, बहुत ही गलत बात है। किसी भी जाति विशेष, किसी भी समुदाय के प्रति आप किसी को भी ऐसे कोई बयान देने का हक नहीं है। लेकिन नहीं है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या ऐसे ही दंगे होते रहते हैं? आप विधायक है कानपुर से, क्या ऐसे ही दंगे वहाँ पर होते रहते हैं? कभी दंगे नहीं होते कानपुर में। जिस तरीके से सांप्रदायिक एकता और भाईचारे का जो सबूत हमेशा दिया गया है वो फिर दिया जाएगा। इसमें मैंने आपसे बताया ना कि एक पुलिस वाला अपनी राइफल लेके एक भीड़ की तरफ खड़ा है, वो कौन सा आदमी है जिसके साथ खड़ा होकर वो पथराव कर रहा है, उसको भी चिन्हित करके उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी। बिल्कुल, ये जांच का विषय है रूमी हसन जी, ये जांच का विषय है कि अगर इस तरह की कोई तस्वीरें सामने आ रही है कि बगल में पुलिस वाला खड़ा है और कोई व्यक्ति उनके बगल से पथराव करा, तो बिल्कुल जांच का विषय है। लेकिन गंभीर बात है, इसको हम लोग, इस गंभीरता को हम लोग हर जगह पे उठाएंगे, इस बात को कमिश्नर से मिलेंगे और उचित प्लेटफॉर्म पे रखेंगे कि इस वीडियो में जो भी आदमी दिख रहा है जिस तरीके से वो पथराव कर रहा है और उसके साथ खड़ा होकर पुलिस वाला जब गोली चला रहा है तो फिर क्या कह रहा है देश का इंतजामिया। लेकिन रूमी हसन जी, क्या कुछ बातें अभी तक सामने निकल कर की आई कि जो जिस तरह से दो समुदायों के बीच में हिंसक झड़प देखा गया, क्या कुछ बातें निकल करके सामने आई कि क्या कुछ वजह हो सकती है? देखिए, ये आज जो वजह ये थी कि आज पूरे शहर में या कानपुर में जो नुपुर शर्मा ने, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है, उसने मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी की थी, तो मुस्लिम संगठनों ने आज कानपुर में स्वैच्छिक बंद का आह्वान किया था। उसी को लेकर कोई भी बात हुई होगी, बंद किया हो या जो भी बंद की बात हो, क्योंकि हमारे घर से काफी दूर है ये इलाका 20 किलोमीटर दूर है, हमने भी टीवी चैनलों के माध्यम से देखा है। तो ये बंदी के आह्वान को लेकर, कुछ व्यवस्था को लेकर कुछ बात हुई हो। पुलिस को चाक चौबंद रहना चाहिए, पुलिस को अपना काम करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, दोनों पक्षों में विश्वास पैदा करना चाहिए, ये हमारा कहना है, और ये जांच होकर जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल बिल्कुल रूमी हसन जी, अब क्या हालात वहाँ पर बने हुए हैं, आपको क्या इसकी कोई जानकारी है? अब हालात धीमे धीमे सामान्य हो रहे हैं और हो जाएंगे सामान्य, पुलिस अब मुस्तैद है और जिम्मेदार दोनों धर्मों के। लेकिन रूमी हसन जी, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसमें तो ये निकल करके आ रहा है कि बवाल बढ़ रहा है, रुक रुक के फिर से जो हिंसक झड़प और पथराव है देखा जा रहा है, वहाँ पर जनता भारी मात्रा में अब घटना स्थल की पे पहुंच रही है। देखिए, अभी मेरी जानकारी में, मेरे संज्ञान में ऐसी बात नहीं है, मुझे जो बताया गया, क्योंकि मैं भी टेलीफोन के माध्यम से जानकारी ले रहा हूँ, ये पता चल रहा है कि धीमे धीमे जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की बात आ रही है, तो हो सकता कार्रवाई जब होती है तो फिर कोई जिसके ऊपर भी कार्रवाई होती है वो अपने बचाव के लिए कुछ भी करता है, तो दंगे जैसी कोई बात अभी नहीं दिख रही है। जी रूमी हसन जी, क्या आपके किसी उच्च अधिकारी से कोई बातचीत हो पाई शांति व्यवस्था को लेकर के? नहीं, अभी मेरी किसी से बात नहीं हुई, मैं अभी बात करूंगा क्योंकि अभी सब लोग व्यस्त हैं राष्ट्रपति जी के उसमें कार्यक्रम में, और उसमें ये ऊपर से ये भी हो गया और प्रधानमंत्री जी भी हैं, तो व्यवस्था में सब लोग व्यस्त हैं, उसके बाद हम लोग सब मिलेंगे। हमारे कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जितने, हम लोग जाके मिलेंगे और बात करेंगे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात करेंगे। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद रूमी हसन जी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी जो वाक्या का जगह है वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है।
अभी भी जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल करके सामने आ रही है वो यह आ रही है कि अभी भी लोग घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें 3 बजे जुमे की नमाज के बाद वहां पर दो पक्षों के बीच जो हिंसक झड़प हुई थी, बाजार बंद के दौरान यह हिंसक झड़प हुई थी। झड़प के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह निशान सुरक्षा व्यवस्था पर खड़ा होता है। संवाददाता विभांशु इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, अब का क्या कुछ माहौल है, क्या माहौल बना हुआ है अब? आपको बता दे जी इतिसला, आपको बता दें कि मौके पर अभी कुछ वक्त पहले बजरंग दल के नेता वहां प्रकाश शर्मा पहुंचे थे, साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद के कई बड़े नेता पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें घटनास्थल पे जाने से पहले रोक दिया है। साथ ही आपको बताएं कि जो घायल हैं उन्हें जिला अस्पताल के अंदर में दाखिला कराया गया है, एम्बुलेंस वहाँ लगा दिए गए हैं। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को वहां पे मौके पर पेट्रोल बम भी मिले हैं। वहीं आपको बताएं कि पुलिस प्रशासन के ऊपर भी पथराव किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन के ऊपर पथराव करना एक सवालिया निशान खड़ा होता है। साथ ही साथ अब चिन्हित करके और जो अजावक तत्व हैं वहां कानपुर के अंदर में जिनके द्वारा ऐसे कृत्य किए जाए हैं, तो इस पे अब एडीजी की तरफ से निर्देश आया है। सबको जो भी इसमें संलिप्त है, चाहे बात की जाए जुमे की नमाज के बाद जो लोग वहां मौजूद होकर और दंगा भड़काने का काम किए हैं, साथ ही साथ दुकान बंद कराने का काम किए हैं, उनके पे भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बड़ा सवाल ये भी पड़ता है कि जब एक नेशनल चैनल बैठकर एक पार्टी की नेता एक जाति धर्म विशेष समुदाय के किसी इंसान के ऊपर के उनके पूजा पद्धति के ऊपर सवाल उठाए, उनके जो भगवान है उनके ऊपर सवाल उठाए, तो ये भी एक जांच का विषय है और उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ जो अजावक तत्व जो पूरे माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं उस पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। और वहीं अगर बताएं तो मौके पर अब काबू पा लिया गया है, पूरी पुलिस प्रशासन वहाँ जो स्थायी रूप से छावनी में तब्दील हो चुकी है जो कानपुर की ये घटनास्थल है। साथ ही साथ आसपास के जगहों पे भी पहचान की जा रही है, लोगों को भीड़ से हटाया जा रहा है और जो भी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है चाहे वो किसी पक्ष का हो, चाहे वो हिंदू पक्ष का हो या मुसलमान पक्ष का हो, उसको पुलिस प्रशासन रोक कर और घटनास्थल पर जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। और पूरे मौके पर जो कानून स्थापित करने की बात कही जा रही है वो पूरी तरह से पुलिस वहां अलर्ट मोड होकर कानून स्थापित कर रही है। जी विभांशु, सबके बीच जो बीजेपी प्रवक्ता है नूपुर शर्मा, जिन्होंने टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद साहब पर जो टिप्पणी की थी, उनका अब कोई बयान सामने, उनका कोई ट्वीट या फेसबुक पोस्ट कुछ भी सामने आया अभी तक? जी बेशक, आपको बताएं कि इसकी तरफ से अभी महज कुछ मिनटों पहले घंटों पहले ये मामला हुआ है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं आया है, मगर हो सकता है कि उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। ये उस पार्टी का विषय है और उस पार्टी की तरफ से सोचा जाएगा, मगर अगर देखें सिसला तो उनकी तरफ से अभी तक ऐसे कोई ट्वीट या ऐसे कोई जवाब नहीं है, कोई सफाई नहीं आई है, तो अब देखने वाली बात होगी कि उनकी तरफ से क्या उनके बयान आते हैं। मगर देखे तो ऐसे कृत्य करने वाले दोनों पक्ष के ऊपर जो दंगा भड़काने का काम किए हैं, साथ ही साथ आज देश के जिम्मेदार वहां हैं और आज लखनऊ के अंदर में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत किए, जिसके बाद मुख्यमंत्री के समेत इस लोक विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना समेत उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन समेत जो प्रदेश के प्रमुख नेता हैं, साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद के पैतृक निवास गए थे, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है प्रशासन पे भी कि आखिर किस तरह की व्यवस्था की गई थी कि ये नौबत आई। और सवाल लोकल जो LIU है उस पर भी खड़ा होती है कि अगर जो इस तरह के कृत्य की बात की जा रही थी, दुकानें बंद कराई जा रही थी, तो पुलिस की तरफ से क्यों नहीं कार्रवाई की गई। और अगर बात करें, अभी हमारे साथ कानपुर के विधायक जुड़े थे रूमी हसन जी, जिनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि अभी शाम तक बैठकर हम बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं देखें तो उनकी तरफ से भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और शाम तक अगर देखें तो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई में जो लोग ऐसे काम किए हैं जिनकी तरफ से मार्केट बंद कराने की कार्रवाई की जा रही थी, तो उनसे भी बैठा के पूछताछ होगी। अब जो भी दोषी होगा उस पर पूरी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। और अगर देखें त्रिशला, तो जहां प्रदेश सरकार कहती है कि दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है, अब दंगा करने वाले लोग यहां माफी मांगते हैं मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले पर मुख्यमंत्री के क्या निर्देश आते हैं। जी विभांशु, तमाम दावे हैं कि जो दंगाई है या तो उत्तर प्रदेश छोड़ देते हैं या तो अपने घरों में बैठ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कौन लोग हैं? और अभी
हमारे साथ विधायक जुड़े थे, उन्होंने एक सवालिया निशान भी खड़ा किया है पुलिस प्रशासन के ऊपर कि पुलिस एक शायद उन्हें कोई वीडियो उनके तक पहुंची है, हालांकि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि पुलिस खड़ी थी और बगल से ही कोई एक युवक पथराव कर रहा था, कितना सच है, क्या अब तक इसकी कोई जानकारी अभी तक पहुंची विभांशु? अपने जो कानपुर के विधायक है वो एक कोर्ट करके बोल रहे हैं, मगर उनके द्वारा ये जो वीडियो फुटेज है वो जो तमाम जिम्मेदार हैं उनको देकर और कार्रवाई करने की मांग वो करें, ये बेशक एक सही तरीका होगा, मगर ऐसे सवाल उठाना ये कहीं ना कहीं लाजमी नहीं है, क्योंकि अगर देखें तो एक जिम्मेदार पद पे हैं, अभी शांति स्थापित करने के लिए उनकी तरफ से कोशिश की जानी चाहिए जिससे दोनों पक्ष के लोग मिलजुल कर साथ रहें। वहीं अगर अभी तत्काल की बात करें तो कानपुर के दूसरों बाजारों में भी दुकानें बंद हो गई हैं और मार्केट में बाजारों में सन्नाटा छा गया है, एहतियातन के तौर पर पुलिस प्रशासन की हर एक जगहों पर गश्त हो रही है, जिससे अगर देखें तो ये कानपुर का जो है वो कानपुर शहर वो मिश्रित आबादी वाला शहर है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती होगा कि हर एक जगहों पर काबू रखे, साथ ही साथ एक रिहायशी इलाका है कानपुर बाजार, तो इन सभी जगहों पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए ये चुनौती का विषय है कि इसको काबू में कर और पूरे मामले को ठंड रखे। साथ ही साथ अब देखने वाली बात ये होगी कि कार्रवाई किन पे होती है और जिन लोगों की तरफ से मार्केट बंद करने की बात कही जा रही है उनकी तरफ से क्या होता है। वहीं अभी भूमि हसन विधायक की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रशासन के लोग वहां मौजूद हैं। विभांशु, मैं आपको रोकना चाहूंगी, अब हमारे साथ बने रहिए, संवाददाता कानपुर से घटनास्थल पर मौजूद है हमारे साथ उपेंद्र, क्या कुछ माहौल बना हुआ है अभी वहां पर, किस तरह की स्थिति है अभी कानपुर में? जो है जी उपेंद्र, किस तरह का माहौल अभी कानपुर में बना हुआ है, प्रशासन किस तरह से कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो जो प्रशासन है पूरा वो छावनी के रूप में बदल चुका है, और आप बताते रहे कि जो ये प्रशासन जो यहाँ पे है, जो दो गुटों का जो विवाद हुआ था, बाजार बंदी को लेकर विवाद हुआ था, और इसमें जो जो बाजार विवाद बंदी को लेकर विवाद हुआ था, वो विवाद जो है वो विवाद को लेकर के जो है यहाँ पे जो है पेट्रोल के तरीके से जो बम उड़ाए गए थे, गिराए गए थे यहाँ पे, उस बम में जो है 6 लोग घायल है और 1 लोग का गंभीर रूप से घायल होने से। जी बिल्कुल, किस तरह से उपेंद्र अभी फिलहाल जो कार्यक्रम है वहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का, उस कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर ये कार्यक्रम है। कानपुर जो कमिश्नर है विजय कुमार विजय सिंह जी मीणा जी जो है वो पूरी तरीके से जो है वो मुस्तैद है और उन्होंने जो है प्रशासन को पूरा कंट्रोल रखा है, जहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यक्रम लगा हुआ है उस कार्यक्रम को लेकर जो है पुलिस पूरी तरीके से बिल्कुल सक्रिय है, और उसमें जो है कानपुर जो है उसके बाद जो सीआरपीएफ जो है उसके बाद जो पीएसी बटालियन जो है वो मुस्तैद कर दी गई है। जी विभांशु, जिस तरह का माहौल अब कानपुर में बना हुआ है, लगातार पुलिस प्रशासन कोशिश कर रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का कार्यक्रम हो जाए, इस बीच जो किस तरह की और खबरें निकल करके सामने आ रही है कानपुर से, प्रशासन किस तरह से एक्टिव है और किस तरह से कार्रवाई कर रही है? जी शिखा, सिसला आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ कानपुर के हर एक चप्पो चप्पो पर नजर बनाए हुई है और हर एक अजारक तत्वों पर वो नजर बनाई हुई है, कानून को स्थापित करने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास कर रही है। वहीं अभी आपने देखा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि पेट्रोल बम चले हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि पेट्रोल बम जो कि मौके पर तत्काल नहीं बनता है, मतलब ये घटना प्री प्लान थी विभांशु, अगर तत्वों की तरफ से साजिश हो सकती है, अब ये जांच का विषय। जी जी बिल्कुल विभांशु, अगर पेट्रोल बम चले हैं, पेट्रोल बम ले करके वहां पर पहुंचे थे अराजक तत्व, तो पेट्रोल बम तो कोई ऐसी सडन की घटना नहीं हो सकती, मतलब की ये प्री प्लान था विभांशु। जी ये बेशक जांच के बाद ये कह सकते हैं, मगर अगर अपने तजुर्बे से कहें तो पेट्रोल बम एक सही समय पर अगर देखें तो इंस्टेंट तो बनेगा नहीं, तो उनकी तरफ से ऐसी तैयारी थी, वो पुलिस प्रशासन की पूछताछ के बाद ये साफ हो पाएगा, मगर सवालिया निशान खड़ा करता है कि एक छोटी सी बहस के अंदर में पेट्रोल बम कैसे चल गए। अब ये फॉरेंसिक टेस्ट होगा, साथ ही साथ वहाँ मौजूद चीज़ों को इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद ये कहना साफ होगा कि पेट्रोल बम था क्या था, मगर विजुअल्स जो आ रहे हैं उसमें साफ तौर पे पेट्रोल बम जैसे वो दिख रहा है, मगर जांच के बाद ये पता चलेगा। और तीसरा आपको बता दें कि कानपुर के जो आसपास के मार्केट हैं
जो रिहायशी इलाके हैं जहां मिश्रित आबादी है तो वहां कानून को संवाददाता उपेंद्र अस्थाना कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो घटना स्थल पे इस वक्त मौजूद है। उपेंद्र, क्या कुछ माहौल बना है और क्या इस घटना में पेट्रोल बम चला है? अगर पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया है तो कहीं ना कहीं प्री प्लान हो सकता है, ये क्या कुछ अभी ताजा माहौल है वहाँ पर घटना स्थल पर? बिल्कुल, आपने सही जानकारी दी। जो पेट्रोल पंप द्वारा यहाँ पे जो हमला किया गया है, उस पेट्रोल पंप में जो है कानपुर के जो क्या कहते हैं एसपी जो पश्चिम में जो है उन्होंने वीडियो फुटेज कुछ लोगों को चिन्हित किया हुआ, और कुछ ही थोड़ी देर बाद जो है जो हमला जो समुदाय के लोगों ने हमला किया था उनकी जो फोटो है सोशल मीडिया में वायरल की जाएगी प्रशासन द्वारा। जी, अभी किस तरह से प्रशासन वहां पर मौजूद हो? पेन में चाहूंगी कि आप कैमरामैन से बोले कि घटना स्थल को दिखाए कि किस तरह पर वहां पर शांति माहौल बना हुआ है, क्या कोई अभी भी जो अराजक तत्व थे वहां पर मौजूद है या फिर सभी को भी हटा दिया गया है? जी, अब अभी मैं अपना कैमरा पर्सन आशीष से कहना चाहूंगा कि दिखाए कि यहाँ पे किस तरीके से जो बाजार है यहाँ पे सन्नाटा, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पे है चारों तरफ से, और आप पता चले जो यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं बिल्कुल वो भी उनकी भी खासी नाराजगी नजर आती है कि वो जो ये हुआ है वो घटना जो है बड़ी काफी दुखद नजर आ रही है, और जो इसमें जो 6 लोग घायल हुए हैं इसमें 1 लोग जो है वो मौके पर जो है जो अभी जिसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है कि जो उसकी डेथ हो गई है, अभी आधिकारिक घोषणा इसकी नहीं हुई है, केवल 6 लोग गंभीर रूप से घायल होने की सूचना आ रही है। जी बिल्कुल, अब इलाके में पूरी तरह से उपेंद्र शांति पसरा हुआ है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अब आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ अभी नोटिस जारी किया गया है एसएसपी या फिर किसी उच्च अधिकारी की तरफ से, क्या कोई बयान सामने आया उन लोगों की तरफ से? जी, अभी अभी किसी तरीके से जो आधिकारिक बाइट है वो अभी नहीं आई है, और जो अधिकारी जो है यहाँ पे वो और जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से जो छात्र खाना जो क्षेत्र बना हुआ है इसको चारों तरफ से बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अभी किसी प्रकार कोई जो विवाद उस पर नहीं हो पा रही है। वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना उपेंद्र, क्या किस स्थानीय से आपसे आपकी बात हो पाई, किस स्थानीय से आप तक पहुँच पाए, उनका क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर के? जी, यहाँ पे लोग स्थानीय लोग जो है बिल्कुल मीडिया से बात करेंगे बिल्कुल नहीं तैयार है, क्योंकि जो ये पूरा जो क्षेत्र है वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है पूरा, और ये लोग का साफ कहना है कि जो बाजार बंदी को लेकर विवाद हुआ था इस विवाद को लेकर के ये लोग चौकी पहुंचे थे, चौकी के बाद जो है विवाद यहाँ उत्पन्न हुआ है, जब उनकी सुनवाई नहीं हुई है तब उसको लेकर पेट्रोल पंप को लेकर के और जो कई राउंड फायरिंग की सूचना है वो भी जो है आधिकारिक पुष्टि थोड़ी देर बाद होने वाली है। जी, अगर बात किया जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तो जो कार्यक्रम है उपेंद्र, राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, राजल आपको राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम अभी कानपुर में होना है उस कार्यक्रम जो आप सर्किट हाउस में आएंगे उसको लेके पुलिस जो है वैसे सुबह से ही सक्रिय थी ऑलरेडी पहले से ही, और जो यहाँ पे जो पुलिस जो है वो कार्यक्रम जो होना है वो कार्यक्रम भी बिल्कुल तय है कि वो कार्यक्रम होना ही है, उसमें कोई नो डाउट नहीं, उसमें पुलिस सक्रिय है और यहाँ पे जो घटनास्थल है यहाँ पे पुलिस पूरी तरीके सक्रिय है। जी बिल्कुल, किस तरह की कहीं ना कहीं एक घटना को दर्शाता है उपेंद्र, क्योंकि बात अगर किया जाए राष्ट्रपति अपने पैतृक गांव दूसरी बार आए थे, उनके साथ प्रधानमंत्री भी वहां पर मौजूद थे, इस तरह की जो घटना सामने आती है किस तरह की लापरवाही ये प्रशासन की भी दर्शाती है। जी आप बिल्कुल, आपका सब कहना है ये घटना बहुत नहीं है, क्योंकि दो दो वीआईपी नेता जो है वो एक मतलब देखा है तो महामहिम राष्ट्रपति और फिर देश के प्रधानमंत्री जो है वो उसके कार्यक्रम होने के बावजूद भी जो है ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है, ये बहुत बड़ी चूक है प्रशासन से, क्योंकि ये जो साजिश जो है घटना खड़ी करती है। जी बिल्कुल, ये साजिश करी है, ये साजिश एकदम अचानक से नहीं हो सकती, ये साजिश पहले से प्लान करी गई थी। जी बिल्कुल विभांशु, किस तरह का सवालिया निशान प्रशासन पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रपति महामहिम उस कानपुर में अपने पैतृक गांव में मौजूद थे, देश के प्रधानमंत्री मौजूद थे, किस तरह का बड़ा सवालिया निशान प्रशासन पर खड़ा होगा। जी बेशक, कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है उसके जो देश के जिम्मेदार हैं और महामहिम राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, जो देश के ऊंचे तबके के नेता हैं वो मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी से के दौरान महज 70 किलोमीटर के दूरी पर ऐसे जो दंगे होना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के जो कानून स्थापित करने की बात कही जा रही है उस पर सवाल के घेरे खड़ा करता है। और सिलसिला आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार तत्काल में सीसीटीवी के फुटेज के मदद से जो आसपास की दुकानें थी, प्रतिष्ठानें थी, उनके सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर और जो अजारक तत्व है उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और अगर देखें तो पुलिस प्रशासन पूरे एक्टिव मोड में आकर और जो अजारक तत्व है उनकी गिरफ्तारी करना
की शुरुआत कर दी गई है और जो ऐसे लोग थे जिनकी तरफ से बाजार बंद करने की सूचनाएं फैलाई गई, साथ ही साथ बाजार बंद करने की प्रक्रिया की गई, उनको भी आज बिठाकर उनसे पूछताछ की जाएगी और विधिवत कार्रवाई की जाएगी। और अगर बात करें तत्काल में तो जो दंगाग्रस्त इलाका है वहाँ RAF को लगा दिया गया, रैपिड एक्शन फोर्स को लगा दिया गया है और पुलिस प्रशासन के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स जो घटनास्थल है उसका पूरा शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए काम करेगी। तो कहीं ना कहीं देखे तो दंगे पर काबू पा लिया गया है। RAF के जाते ही एक जो आम जनमानस है उसके अंदर एक खौफ आ जाता है, क्योंकि सिलसिला अगर देखें तो इतने बड़े जिम्मेदारों की मौजूदगी में कहीं ना कहीं ऐसे कृत्य होना सवालिया निशान खड़ा होता है। और वहीं जो कानपुर के DM है वो भी पूरे मौके पर पहुंच कर, वहाँ कार्यक्रम के बाद वो मौके पर पहुंच रहे हैं आज कुछ देर में और मौके पर जाकर घटनास्थल का वो निरीक्षण करेंगे। अब देखने वाली बात ये होती है कि मुख्यमंत्री जब कार्यक्रम से वहाँ से निकलते हैं तो उनकी तरफ से क्या निर्देश आते हैं। जी सुशला जी, बिल्कुल बिल्कुल भंशु, उपेंद्र जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग घायल हुए हैं, गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, चप्पलें बिखरी हुई नजर आ रही हैं, किस तरह से एक्शन लेगी अब पुलिस उस पूरी घटना पर? जी आप बता दें, पुलिस जो है बिल्कुल पूरी तरीके से सक्रिय है। सारे फुटेज के आधार पर जो है सोशल मीडिया पर जो अभी पुलिस कुछ ही देर बाद एक प्रेस नोट जारी करेगी जिसमें कई लोगों की जो संदिग्ध अवस्था में जो फोटो वायरल होगी और इसमें कई लोगों को चिन्हित कर किया जा चुका है। इन्होंने जो इतना पथराव किया है और पथराव के बाद जिन लोगों ने निर्दोष लोगों को जिनको जो बेगुनाह लोग थे उनके ऊपर जो ये पेट्रोल बम डाला गया है और जो लोग कई लोग घायल भी हैं उनको अभी उनके भी बयान जो है अभी आधिकारिक जो है आला अधिकारी जो है मौके पर पहुंच चुके हैं। जी घायलों का इलाज किस तरह से चल रहा है उपेंद्र, उन्हें कहाँ पर भर्ती कराया गया है? जी बता दें कानपुर के हुसला हॉस्पिटल में जो है उनको भर्ती कराया गया जिसमें 6 लोग घायल है और 1 लोग की हालत जो है अभी सूत्रों से खबर मिली है कि उसकी मौत हो चुकी है पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जी बिल्कुल, हमारे साथ प्रकाश जी जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व संयोजक है। प्रकाश जी, जिस तरह की ये घटना सामने आई है, जिस तरह से दो पक्षों में हिंसा का झड़प हुआ है, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरी घटना को? ये एक पक्ष द्वारा योजना पूर्वक हिंदू समाज के हाथे पर जानबूझकर आक्रमण किया गया है और ये चुनौती देने का काम कर रहे हैं। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पर कल राष्ट्रपति का कार्यक्रम है और ये प्रशासन की को चुनौती है और मैं चाहता हूँ प्रशासन को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि इनकी सात पुश्तें ध्यान रख के कभी दोबारा गड़बड़ करने की हिम्मत न कर सके। इन्होंने बंदी बुलाई थी, बंदी के बाद बिना अनुमति के जुलूस निकाला और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जो एक स्थान ऐसा है जहाँ अधिक मात्रा में हिंदू समाज रहता है वहाँ हाथे में घुसकर बम चलाए हैं, पेट्रोल बम चलाए हैं, मस्जिदों से बम चले हैं, मस्जिदों से फायरिंग हुई है, पथराव हुआ है, पेट्रोल बम फेंके गए हैं। इसलिए ये मत कहिए कि दो समुदाय में हुआ है, ये एक समुदाय की गुंडई है, उसने एक शांतिप्रिय समुदाय पर हमला किया है। जी बिल्कुल प्रकाश जी, जिस तरह से ये वाक्या हुआ है निंदनीय है क्योंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे। वहीं अगर बात किया जाए तो लोगों का ये भी कहना है कि जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की नूपुर शर्मा, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब पर कोई टिप्पणी दी थी जिसको लेकर हिंसा भड़की है। नहीं, नूपुर शर्मा ने बयान दिल्ली में दिया, इनकी माँ ने दूध पिलाया हो तो दिल्ली जाकर नूपुर शर्मा का बिगाड़ दे, किसने रोका है इनको? इस आधार पर ये चंद्रेश्वर हाथे पर हमला करेंगे? जी बिल्कुल, लेकिन और सबसे पहली बात यह है कि प्रशासन को इस बात के लिए सजग हो जाना चाहिए कि आखिर इनकी कितनी तैयारी है। 100 से ज्यादा पेट्रोल बम फेंके गए हैं, सैकड़ों की संख्या में आवाज वाले बम फेंके गए, नुकसान पहुंचा सकते थे, 9 लोग घायल हुए हैं। बिल्कुल, हादसे के अंदर घुस कर महिलाओं को देकर उनके ऊपर पथराव किया गया है। लेकिन प्रकाश जी, दूसरा समुदाय भी एक अचानक से एक तरफ से आ जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? अरे वो तो योजना पूर्वक कहे थे, उन्होंने तय कर रखा था कि आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शहर में है, फोर्स यहाँ पर होगी नहीं, चंद्रेश्वर आता अकेला पड़ जाएगा और इसलिए हम अपनी ताकत दिखा करके अपने मन की भड़ास निकाल लेंगे, CAA की भड़ास निकाल लेंगे, ज्ञानवापी की भड़ास निकाल लेंगे, तो ये वो करना चाहते हैं। लेकिन क्या प्रकाश जी, प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है क्योंकि सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के। कि हो सकता है प्रशासन को अनुमान करने में कोई कमी नहीं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों एक साथ शहर में जब आ जाते हैं, यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर कार्यक्रम हो रहा है, तो प्रशासन पर दबाव रहता है, लेकिन निश्चित रूप से अगर इसके बाद कड़ी कार्रवाई होगी तो भविष्य में लोग ध्यान रखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है योगी जी के शासन में कार्रवाई ऐसी होगी कि इनकी सात पुश्तें ध्यान रखेंगी। जी पहले भी
से कई दंगे हो चुके हैं जिसमें फोटो लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जाता है, तमाम तरह के दंगे सामने आते रहते हैं। नहीं, इधर बहुत दिनों से हिम्मत नहीं पड़ रही थी। भी की गई, किस तरह से देखते नहीं, आप इनकी इसको? हिम्मत इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। एक किसी फैसल नाम के व्यक्ति है, वो 5 दिन से 6 दिन से और सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ डाल रहा है जी। तो ये परिस्थिति है यहाँ। लेकिन अगर बात किया जाए जी, अपनी बात रखिए, लेकिन जिस तरह से लगातार अभी हमारे साथ रूमी हसन जी जुड़े हुए थे, कौन जुड़े हुए थे जी? अभी हमारे साथ कानपुर से विधायक हसन जी जुड़े हुए थे, उनका ये कहना है कि टारगेट किया गया है, जो बयान दिया गया है नूपुर शर्मा जी की तरफ से उसको लेकर के हिंसा भड़की है, नूपुर शर्मा जी पर कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह से देखते हैं आप? क्या संबंध है नूपुर शर्मा ने बयान दिया, वैसी रोज बयान दे रहा है, रोज कठपुतले कोई ना कोई बयान दे रहे हैं। तो अगर बयानों के आधार पर लोग एक दूसरे से निपटने लगेंगे तो समझ लीजिए फिर 20 करोड़ और 125 करोड़ का कितना अंतर होता है जी। अगर बहुसंख्यक समाज भी यही सोचकर कल से सड़कों पर निकलने लगे तो क्या परिस्थिति बनेगी, ये उनको विचार करना चाहिए। किसी के बयान से आप लोकतांत्रिक ढंग से कोई प्रदर्शन करिए, आपने 2-2 मुकदमे लिखा दिए उनके खिलाफ जी। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी, समझाता। विभांशु हमारे साथ जुड़े, विभांशु जिस तरह से लगातार अब इस घटना पर दोनों पक्षों की तरफ से अगर बात किया जाए तो अभी विधायक है उनका भी बयान सामने आया, हमारे साथ प्रकाश जी जुड़े थे उनका भी बयान सामने आया, किस तरह से आप इसको देखते, किस तरह का रंग और रूप लेता जा रहा है ये घटना जी? बेशक सिसला आपको बता दें कि मौके पर पूरी स्थिति को काबू में कर लिया गया है और कानपुर की डीएम नेहा शर्मा मौके पर पहुंच गई हैं, उन्होंने जायजा लिया है, साथ ही साथ आरएएफ की रैपिड एक्शन फोर्स वहां लगी हुई है। और आपको बताएं कि पुलिस महकमे के बड़े आला अधिकारियों की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि आसपास की जरूरत पड़े तो इंटरनेट सेवाओं पे बाधित किया जाए, जिससे सोशल मीडिया के आधार पर कुछ ऐसे कृत्य ना किए जाएं। वहीं आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर अजावक तत्वों की निगरानी भी की जा रही है, कुछ ऐसे पोस्ट डालें या फिर ऐसे कुछ कृत्य करें तो उन पे भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कुछ संदेह के आधार पर लोगों को भी उठाया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और 12 थानों की पुलिस को लगाया गया है। तो पूरा कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस से सहज है और कानपुर के अंदर में शांति व्यवस्था को बनाने के लिए हर एक भरसक प्रयास कर रहा है। और मिली जानकारी के अनुसार अब मामला कहीं ना कहीं ठीक है और जो तमाम जिम्मेदार थे वो भी कानपुर के अंदर में पहुंचेंगे। अभी नेहा शर्मा पहुंची है कानपुर की डीएम, और वहीं अगर देखें तो सोशल मीडिया टीम को भी एक्टिव किया गया है। तो कहीं ना कहीं से जब वहां आरएएफ की टीम लग गई है, साथ ही साथ 12 थानों की पुलिस लगी हुई है, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी पुलिस प्रशासन निगरानी के अलर्ट दे दिए गए हैं कि सोशल मीडिया के अंदर में कोई ऐसे कृत्य न किए जाए जिससे अन्य जगहों पर भी देश के या प्रदेश के दंगा भड़के। संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं उपेंद्र, डीएम जो है नेहा शर्मा वो पहुंच चुकी है और कहा जा रहा है कि अगर घटना की स्थिति कंट्रोल में नहीं आती है तो इंटरनेट भी बंद किया जाएगा, क्या कुछ ताजा अपडेट है घटना को लेकर के कानपुर से? कह रहा है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है कानपुर में बनाया गया है, वो कार्यक्रम के बाद जो है नेहा शर्मा ने जो है मौके पे पहुंच करके पर वहाँ पे जो कहा घटना मतलब अभी जो स्थिति है वो तो अभी सामान्य है, अगर आधे घंटे स्थिति सामान्य नहीं होती है तो इस क्षेत्र का जो है मोबाइल फोन का नेटवर्क जो है इस क्षेत्र का बंद किया जाएगा जी। और कुछ क्या को ताजा अपडेट है उपेंद्र, क्या किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाई, पुलिस प्रशासन में किसी से आपकी बात हो पाई अभी तक मामले को लेकर? जी अभी तक देखा है तो अभी किसी प्रकार कोई जो है अधिकारी जो है बाइट अभी नहीं आ पाई है और ना आला अधिकारी अभी बात करने को तैयार भी नहीं है, और वो लोग पहले घायल को और उसके बाद शांति व्यवस्था के बाद देख रहे हैं, उसके बाद जो है आधिकारिक बाइट आने की संभावना है जी। कई खबरें निकल करके सामने आ रही उपेंद्र, जिस तरह से कहा जा रहा है कि वहां पर पेट्रोल पंप का भी इस्तेमाल किया गया है और कुछ लोगों की पहचान भी शुरू हो गई है, तो इस पर क्या कुछ ताजा अपडेट है, क्या पुलिस ने लोगों की पहचान शुरू कर दी है, जो अराजक तत्व थे जिन्होंने हिंसा को भड़काया था क्या उनकी पहचान शुरू की जा चुकी है? जी 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 बिल्कुल, जिन्होंने हिंसा किया था उनकी जो पहचान है जो वीडियो के माध्यम से जो है आला अधिकारियों ने उसकी पहचान कर ली है, और जो पहचान हुई सिन्हा से कुछ थोड़ी देर बाद जो है सोशल मीडिया पर भी अपडेट होने वाला है, जिन लोगों ने जो पेट्रोल पंप फेंका था और पथराव किया था और कई राउंड फायर किया था, काफी नुकसान जो हुआ है मतलब गैर सरकारी और सरकारी संपत्ति के जो नुकसान हुआ है उसका जो है उस पर जो है जल्दी ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल अभिभांजू, क्या कुछ ताजा अपडेट है अभी आपके पास, किस तरह से आगे स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है अभिभांजू?
अगर बात करें तत्काल में तो स्थिति नियंत्रण में है और कानपुर के अंदर में हर एक बाजार जो पे सन्नाटा छाया हुआ है और पुलिस प्रशासन हर एक जगहों पे गश्त कर रही है और जो ऐसे संलिप्त लोग हैं जिनके द्वारा से कृत्य किया गया है उन पे भी कार्रवाई की जा रही है, लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं और दोनों पक्ष के लोगों को जो अगर देखें तो विश्व हिंदू परिषद के नेता वहां पहुंच रहे थे उनको घटनास्थल से पहले पुलिस ने रोक दिया है। तो क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से हर एक प्रयास किया जा रहा है मगर तिसला अगर देखे तो माननीय कोर्ट को कुछ ऐसे तरह के निर्देश देने चाहिए, कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए जिसमें दंगाइयों को कुछ ऐसे धाराओं के अंदर में उनके मामले चले कि वो आगे ऐसा कृत्य ना कर सके और जो भी ऐसे दंगा कराने में जिनके नाम आए उनके ऊपर ऐसी सजा दी जाए जिससे वो आगे के समय में ऐसे कृत्य उनको देख कर या उनकी तरफ से ऐसे कृत्य ना किए जाए। जी बिल्कुल विभांशु उपेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच कानपुर डीएम नेहा शर्मा का बयान सामने आया है, क्या कुछ उनका कहना है सुनवाते हैं आपको। यहाँ पर होना आप लोगों का सहयोग चाहिए, सबको समझाना है इसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध बहुत ही कठोरतम कार्रवाई के स्टेप्स लिए जाएंगे। अभी नहीं बोलते जाइए अभी स्थिति कंट्रोल नीचे करो, नीचे कर लो भाई, नीचे करो। मौके पे पुलिस के एसीपी साहब एंड जॉइंट कमिश्नर हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा नियंत्रण में आई है लेकिन इसमें जो मिनोरेंट है यहाँ पर होना आप लोगों का सहयोग चाहिए, सबको समझाना है। अभी स्थिति कंट्रोल नीचे करो, नीचे कर लो भाई, नीचे करो। मौके पे पुलिस के एसीपी साहब एंड जॉइंट कमिश्नर हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा नियंत्रण में आई है लेकिन इसमें जो मिनोरेंट है। आपने सुना कि जो डीएम है नेहा शर्मा उनका कहना है कि स्थिति अभी कंट्रोल में है, क्या वाकई में स्थिति अब कंट्रोल में है वहां पर और पुलिस जो है वो एक्शन में है? जी बिल्कुल, आप बता जो पुलिस है पूरा एक्शन के मूड में, एक्शन में है पूरे फुल यहाँ पे, क्योंकि जो है इसके बाद जो है थोड़ी देर बाद ही जो है राष्ट्रपति के जो आगमन है कानपुर में, कानपुर देहात से वापस होने वाला है, इसलिए पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और जो स्थिति है जो बिल्कुल समान है यहाँ पे अभी। जी बिल्कुल बिल्कुल विभांशु, जिस तरह से डीएम का भी बयान आपने सुना कि डीएम नेहा शर्मा का कहना है कि स्थिति अभी नियंत्रित है, क्या कुछ उस पर कहना है आपको और क्या लगता है आपको पुलिस अब आगे किस तरह की कार्रवाई कर सकती है इस पर? जी बेशक, अब सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से साथ ही साथ आपके तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं उनके आधार पर लोगों की पसनाख की जाएगी, उनकी पहचान की जाएगी और दंगा से रिलेटेड अगर वो इसमें उनके ऊपर धाराएं बनती हैं तो उन्हें इस सजा का अब माननीय कोर्ट के द्वारा उनसे सजा दी जाएगी। वही आपको बताया कि सीतामऊ से विधायक उपेंद्र, अभी ताजा जानकारी जो कानपुर से सामने आ रही है, कानपुर में फिर से गोली चली है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल, आप बता चले जो चौकी के पास जो है वो दोबारा फिर भी गोली सूचना आई है मौके पे और यहाँ से प्रशासन जो है फिर दोबारा यहाँ से दौड़ के चौराहे से फिर वो घटनास्थल पहुँचा है प्रशासन। जी उपेंद्र, क्या कुछ पता चल पाया कि किसकी तरफ से गोली चलाई गई है, कौन है जो हिंसा को इतना भड़का रहा है? जी ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, करने गए थे उस दौरान गोली चलाई गई है ये। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, जो पुलिस जवान वहाँ पर उस हाथे के अंदर घुसे थे और उस हाथे के बाद जो है पुलिस ने दोबारा फिर जो है और फिर हो गया जो एक्शन के मूड में पुलिस पहुंच गई है और उसमें पुलिस के ऊपर भी फायर किया गया है, कई राउंड फायर हुए हैं। जी विभांशु, जिस तरह से पुलिस गिरफ्तारी करने गई थी और वहां पर फायरिंग की गई है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? जी बेशक, आपको बताएं कि पुलिस की तरफ से हर एक ऐसे तमाम खबरें आती हैं मगर अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि गोली चली है या नहीं है। और आपको बताएं कि कानपुर के सीपी विजय मीना का दावा है कि हालत सामान्य में है और अब तक 15 से 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है, वहीं उनके मुताबिक 2 लोग घायल हैं,
तो अब देखने वाली बात होगी कि जो वीडियो के आधार पर लोगों को धीरे धीरे अब गिरफ्त में लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं अब देखे तो दोनों पक्षों की तरफ से जो कृत्य किए गए हैं उसमें पूरी पारदर्शिता के साथ वो जो प्रशासन है वो पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करेगी। वहीं आपको बताएं कि धीरे धीरे जो आसपास के मोहल्ले हैं वहां से भी लोगों को जो वीडियो के आधार पर जिनके पहचान हो पा रही है उनको गिरफ्तारी की जा रही है। और पथराव के बाद आपको बताएं कि जब दोनों पक्षों के बीच पथराव होता था तो पुलिस भागते हुए नजर आई है। वहीं आपको बताएं कि जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। और आपको बताएं इसका कि अब कानपुर देहात में कार्यक्रम खत्म हो चुका है और पुलिस की जो तमाम जिम्मेदारान है वो अब कानपुर के इन जगहों पे जा सकते हैं और निरीक्षण कर सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो दंगाई है उन पे किस तरह का धाराओं के साथ उन्हें आरोपी बनाया जाता है। जी बिल्कुल उपेंद्र, क्या अभी भी जो दंगाई है उनकी धरपकड़ जारी है? जी बिल्कुल, जो है धर पकड़ जा रही है जिसमें कि अभी कानपुर के आसपास के क्षेत्र के जो है लगभग आधा दर्जन के ऊपर जो है थाने क्षेत्र के जो है फोर्स है चारों तरफ से घेर लिया। कुछ फोर्स जो है वो सिविल ड्रेस में हुई है, वो धरपकड़ में लगी हुई है। जी और कुछ क्या था जो अपडेट है मामले को लेकर के उपेंद्र, किस तरह से शांति व्यवस्था वहाँ पर बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से डटी हुई है? जी आपको पता चला प्रशासन ने पूरा क्षेत्र को चारों तरफ से जो है कन्वर्ट कर लिया है और जो है और जो जो क्षेत्र यतीम खाना क्षेत्र जो बना हुआ है उसके जो आसपास जो है ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है, बराबर चल रहा है। पर जो पुलिस ने जो है उस पूरे क्षेत्र को जो है पूरी तरीके से बिल्कुल छावनी में और नाकाबंदी बनाकर रखी है। जी बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, आप बिल्कुल जो पूरा वाक्य है उस पर आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। विभांशु, जिस तरह से यह घटना सामने आई है, सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े किए गए हैं, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे वाक्य को और आगे किस तरह से अब कार्रवाई की जाएगी पुलिस की? विभांशु, आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तकनीकी खराबी के कारण हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया है। जिस तरह से यह घटना सामने आई है, बवाल हुआ है जुमे की नमाज के बाद, उसके बाद जब पुलिस गिरफ्तारी करने गई थी तब भी गोली चलाया। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि यह गोली किसकी तरफ से चलाई गई है, कहीं ना कहीं एक बड़े हिंसा को दर्शाता है। सवाल निशान यह खड़ा होता है कि अगर पेट्रोल बम चले हैं इस घटना में, हालांकि ये जांच का विषय है, ये जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि पेट्रोल बम चले हैं या नहीं चले हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसके हिसाब से यहाँ पर पेट्रोल बम चले हैं। और अगर ये पेट्रोल बम चले हैं तो ये घटना कहीं ना कहीं प्री प्लान हो सकता है, हालांकि ये जांच का विषय है। हर एक ताजा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, फिलहाल के लिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।